हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिलेक्टर। आई एम रितेश मौर्य। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करके ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है। अगर आप चाहो तो फोन पे से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे से, पेटीएम से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम से, तो जो भी आपके पास पेमेंट मेथड का ऑप्शन है। तो फ्लिपकार्ट पर कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हो तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो मैं आपको लाइव प्रूफ करके और ऑनलाइन पेमेंट करके दिखाऊंगा। तो गाइस, फ्लिपकार्ट पर आ करके जो भी आपको प्रोडक्ट को बाय करना है और उस पे ऑनलाइन पेमेंट कट करवाना चाहते हो तो गाइस उस प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी प्रोडक्ट को आप यहां पे लेना चाहते हो तो सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहां पे देख सकते हो इसका प्रोडक्ट का यहां पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। उसके बाद लास्ट में देख सकते हो नीचे में इसका नाम और प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपको बाय नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप बाय नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो यहां पे देख सकते हो डिलीवरी एड्रेस देखने के लिए मिल जाता है। अगर चाहो तो चेंज पर क्लिक करके आप अपना डिलीवरी एड्रेस चेंज कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। तो उसके बाद अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये सब देखने के बाद उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है पेमेंट मेथड का ऑप्शन। तो गाइस यहां पे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट पोस्टपेड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो ₹50 एट अ टाइम आपसे मांगेगा। लेकिन हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट कटवाना है तो गाइस अगर आप चाहो तो यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड से भी कटवा सकते हो। अदरवाइज यूपीआई यानी कि फोन पे का यूपीआई आईडी होगा, गूगल पे का यूपीआई आईडी होगा, पेटीएम का होगा, भीम का यूपीआई आईडी होगा, तो सेम आप इससे कटवा सकते हो। कैसे कटवा सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो कुछ समय तक वेट करना है। और गाइस यहां पे देख सकते हो किस चीज का यूपीआई से कटवाना चाहते हो, एयरटेल का यूपीआई आईडी होगा या कोई आपका खुद का यूपीआई आईडी है, फोन पे का है, गूगल पे का है। तो गाइस यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है लाइक मैं फोन पे का यूपीआई आईडी से कटवाना चाहता हूं। आप जो यूपीआई आईडी से कटवाना चाहते हो कटवा सकते हो। उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, कंप्लीट पेमेंट किया जाएगा। और गाइस यहां पे कुछ समय तक वेट करते हो तो गाइस आपको बैक बटन नहीं प्रेस करना है। उसके बाद जो भी आप यूपीआई आईडी पे पिन डाले हो लाइक अगर पैसे ट्रांजैक्शन करते हो तो गाइस उस पिन को आपको फिल करना है। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपके स्क्रीन पे डार्क दिखा रहा होगा लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ करके पेमेंट कटवा करके मैं अपने बैंक से दिखाऊंगा आपको। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तो आपको कुछ समय तक वेट कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो तो गाइस यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो गाइस अगर आप कहाँ से पेमेंट कटवाना चाहते हो, अगर आप एक से ज्यादा फोन पे में बैंक अकाउंट ऐड किए होगे तो गाइस आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज अगर आप फोन पे से पैसे कमाए होगे तो आप अपना कैशबैक जो फोन पे का गिफ्ट कार्ड होता है वहां से भी कटवा सकते हो। देख सकते हो मैंने अभी ₹3800 मैंने कमाया है फोन पे के थ्रू। अभी तक आपको पता नहीं कि फोन पे से पैसे कैसे कमाए जाते हैं तो लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं अपना बैंक अकाउंट से पैसे को कट करवाऊंगा तो जो भी बैंक अकाउंट से पैसे को कट करवाना चाहते हो उस पर टिक कर देना है, यानी कि ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। और चाहो तो यूपीआई ऐड करके यूपीआई से भी करवा सकते हो या कोई और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पैसे कट करवा सकते हो। लेकिन हम लोग को ऑनलाइन पे करना है यानी कि बैंक से ही करना है फोन पे के थ्रू। तो गाइस यहां पे अब आपको पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन यहां पे अब आपका यूपीआई पिन डालना होगा। तो चलिए मैं अपना यूपीआई पिन डाल लेता। गाइस जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन डाल लेते हो उसके बाद यहां पे सही का ऑप्शन होगा, सही वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस यहां पे आपको कुछ समय तक वेट करना है। और गाइस यहां पे देख सकते हो आपका पेमेंट सक्सेसफुली कट गया। और गाइस अपने आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, आपका वेरीफाई करेगा फ्लिपकार्ट में, रीडायरेक्टिंग कर लेगा और आपके अपने ऑर्डर पर लेकर के जाएगा। और गाइस यहां पे देख सकते हो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। उसके बाद गाइस यहां पे आप देख सकते हो कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक करोगे तो गाइस यहां से आपका ऑर्डर हो चुका है। मैं आपको अकाउंट पर आकर के ऑर्डर सेक्शन में आकर के दिखाऊं तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो आपका ऑनलाइन पेमेंट कट गया है और आपके घर बैठे यानी कि आपको जब डिलीवर करेगा प्रोडक्ट तो आपसे एक भी रुपया नहीं लेगा। और गाइस यहां पे देख सकते हो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो आपको सारा कुछ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में या मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ये इंस्टाग्राम पे आकर के बातचीत कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।